बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कबाब विद चिकन फिलिंग के साथ, तो चलिए जी शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 6 आलू, 1 प्याली हरा धनिया, 1 प्याली पुदीना, 4 हरी मिर्च, इसको हमने बारीक काट लिए हैं, आधी प्याली मायोनी, 1 प्याली चिकन बॉयल करके हमने इसको रेशे कर लिए हैं, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च। सबसे पहले आलू को मैश करेंगे। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च, पुदीना, काली मिर्च और नमक को फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसके कबाब बनाएंगे। अलग बाउल में चिकन लेंगे, उसमें मायनीज डालेंगे, काली मिर्च और नमक आधा चम्मच लिया है, हम इसको अच्छी तरह से मिले। पहले से कबाब बनाएंगे, इसके अंदर ही चिकन डालेंगे, इसके बाद दूसरा भी बनाएंगे। कबाब बनाकर इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, इसी साइड इसकी बंद हो जाए। अब दूसरा भी इस तरह बनाएंगे, चिकन फिलिंग करेंगे, बाकी एक एक करके सब इस तरह बना कर रख देंगे। बाकी कबाब भी इस तरह बना लिए हैं, 2 अंडे और ब्रेड क्रम्स बना कर रखे हैं, अब इसको फ्राई करेंगे। तो हम तवे पर फ्राई करेंगे, तवे पर हमने ऑयल डाल दिया है, मज़ेदार आलू चिकन के कबाब तैयार है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।